अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल कुकिंग विद उज़मा इसहाक। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, कोई वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें ताकि वो भी सब्सक्राइब और लाइक कर दें। आज मैं आपके लिए बड़े मज़े का डिज़र्ट लेके आई हूँ, मिडल ईस्टर्न डिज़र्ट, और ये बड़ा ईजी वे में बनेगा, बड़ी आसानी से गेस्ट आए वैसे आप बना सकते हैं, कोई इवेंट हो तो। चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पहले मैंने एक बाउल लिया है, इसमें डालूंगी मैं 4 कप दूध। ये 4 कप दूध है, ये टेट्रा पैक का दूध है, आप कोई सा भी ले सकते हैं लेकिन गाढ़ा होना चाहिए दूध, उससे ये डिज़र्ट अच्छा बनता है। दूध ठंडा ही है क्योंकि हमने इसको बाद में पकाना है। इसमें अब इसमें जाएगा जी 3 टेबलस्पून ये सूखा दूध है, मिल्क पाउडर नीडो मैंने लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हैं लेकिन वाइटनर ना हो, टी वाइटनर, इसे क्रीमी और बड़ा अच्छा डिज़र्ट बनेगा। और अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप टेट्रा पैक की क्रीम भी ले सकते हैं, 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून डाल दें जितना आपने बनाना हो। ये 3 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर है, जो सूप बनाने वाला कॉर्नफ्लावर होता है वो है। चीनी है आधा कप चीनी है, अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको मिक्स करेंगे पहले अच्छी तरह से ताकि सारी चीज़ें एक जान हो जाए। अब इसमें जाएगा रोज़ वाटर 1 टेबलस्पून, इसका बड़ी अच्छी खुशबू टेस्ट आता है। और ये वैसे भी जो ये डिज़र्ट होते हैं मिडल ईस्टर्न डिज़र्ट होते हैं, इसमें ज़रूर रोज़ वाटर और जाता है। चलें जी, अब इसको मैं चूल्हे पे, कढ़ाई ली है मैंने, छोटी सी पैन लिया, चूल्हा मैंने चला दिया, तो बस अब इसको हम इसमें डाल देंगे। और ये कॉर्नफ्लावर जो है ये बड़ी जल्दी से गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, जब इसको गर्म हो जाए तो ये बड़ी बॉयल इसको आ जाए तो दूध को तो बड़ी जल्दी से गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, इसलिए इसको आपने चम्मच चलाते रहना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। ये देखें जी बबल आने शुरू हो गए हैं, फौरन से ये थिक हो गया है, ये देखें जी बबल आने शुरू हो गए हैं। बस अब इसका चूल्हा मैं बंद कर दूंगी, ये कुक हो गया, बड़ी जल्दी से बन जाता है ये देखें जी, मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अब इसको मैं ऐसे ही थोड़ा सा ठंडा करूंगी, फिर आगे आपको दिखाती हूँ क्या करना है। अब ये देखें जी, मैंने एक इस तरह की डिश ले ली है गोल, आप गोइस भी ले सकते हैं। इसमें मैं अब थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी, सारी डिश को नीचे ऑयल लगाना है पहले चारों तरफ से। अब मैं ब्रश से सारा ऊपर नीचे लगा लूँगी, आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं। सारा मैंने चारों तरफ से लगा दिया। चलें जी, अब इसमें डालूँगी ये जो मैंने कस्टर्ड सा बनाया है, ये देखिए ये मैंने डाल दिया। इसको थोड़ा सा पहले हम टेम्परेचर पे करेंगे ठंडा, तो बाद में फिर 15 मिनट के बाद मैं इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखूंगी, फिर आगे आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ। इसका अगला स्टेप शुरू करते हैं, जो इसके ऊपर हम सेट करने वाले हैं एक मज़ेदार सी चीज़। चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए 1 कप मैंने पानी लिया है और इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर है, ये जाएगा कॉर्न सूप बनाने वाला, 2 टेबलस्पून भर के है, ये डाल दिया। अब इसको मिक्स करूँगी, पहले मैं ऐसे ही मिक्स करूँगी, फिर बाद में चूल्हे पे रखूँगी इसको पकाने के लिए। अब इसमें जाएगा जी, इसमें मज़ेदार जो चीज़ है वो है रूह अफ़ज़ा, ये तकरीबन 1/2 कप मैंने लिया है। अगर आपके पास रूह अफ़ज़ा नहीं है तो आप सिंपल रोज़ वाटर और कलर डाल के इसको पका सकते हैं, पिंक कलर डाल लें और रोज़ वाटर डाल लें, लेकिन रूह अफ़ज़ा में सब कुछ होता है, रोज़ वाटर भी होता है, चीनी भी होती है और सब कुछ होता है। ये देखें ये मैंने डाल दिया। अब इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छी तरह से और इसको अब इस पैन में डाल दूँगी। अभी मैंने चूल्हा नहीं ऑन किया, अब करने लगी हूँ, चूल्हा चलाने लगी हूँ, चूल्हा चला दिया मैंने। चलेंगे इसको मिक्स करते जाते हैं, और आपने चम्मच या बीटर जो भी है आपने नहीं छोड़ना, अब मैं चम्मच का इस्तेमाल करूँगी स्पैचुला का। चलेंगे
इसको चलाते रहना ताकि कॉर्नफ्लावर जो है जल्दी से गाढ़ा, मैंने आपको पहले ही बताया, तो इसकी गुठलियां ना बने। अब ये देखें जी ट्रांसपेरेंट सा हो गया, बस इसको हमने बंद कर देना चूल्हा। ये देखें इतनी थिक होनी चाहिए सॉस। ये देखें ये जो हमने मिक्सचर बनाया है। चलें चूल्हा बंद कर देते हैं। अब ये मैं एक बर्तन में निकाल रही हूँ, और ये देखिए मैंने एक बर्तन में ये सॉस निकाल दी है जो हमने बनाई है। आज जो हम उसके ऊपर पोर करेंगे, जो हमने डिजर्ट बनाया उसको आधे घंटे के लिए मैंने ठंडा करने के लिए रखा है। और प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच किया करें ताकि आपको पता चले कि मैंने क्या बनाया और कैसे बनाया, और आप बना भी सकते हैं। फिर ऐसी आधी वीडियो ना देख के छोड़ा करें, सारी वीडियो को वॉच किया करें। चलें जी आप मिलते हैं आधे घंटे के बाद। ये देखें जी आधे घंटे के बाद, ये देखें इसके ऊपर बलाई सी आ गई है। मैंने बादाम थोड़े से पीस के इसके बीच भी डाले थे, मैं बताना भूल गई हूँ। और अगर आपने डालने हैं तो डालने ऑप्शन है। अब ये देखें जी ये सॉस है जो हमने तैयार की थी रूफ़ज़ा की। इसमें थोड़ा सा मैंने ऐसे चम्मच चला लिया। जब आपने इसके ऊपर पोर करनी है तो आपने चम्मच चला लेना। अब इसके ऊपर कतरे हुए बादाम जो हैं काटे हुए वो डाल दूँगी, सारे ऐसे सेट कर दूँगी। और ये इतना लाइट है कि मैं आपको बता नहीं सकती, आपके घर वाले गेस्ट खुश हो जाएंगे और आपसे पूछेंगे ज़रूर कि ये क्या बनाया है। और आप ज़रूर बनाना, ट्राई करना, कमेंट्स करके बताना आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। ये बादाम में कर रही हूँ, सारे डाल दिए। अब इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा चम्मच ऐसे हिला के चम्मच से तो सारा ऊपर पोर कर दूँगी इसके। ये देखें जी, और बाद में हमने इसके ऊपर सेट कर देना और ठंडा करके आप खाएं। ये बहुत लाइट है, मज़े का टेस्ट बड़ा है इसका। ये देखें जी, चलें जी इसको मैं सेट करती हूँ। और रूह अफ़ज़ा की तो खुशबू बड़ी मज़े की टेस्टी लगती है वैसे भी। ये देखें जी, चलें जी अब मैं इसमें थोड़ा सा पिस्ता कुतरे हुए क्रश किए हुए पिस्ते हैं ये डाल दूंगी चारों तरफ से। आपके पास ऑप्शन है, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप डाल सकते हो। ये देखें जी सारा मैं डाल दूंगी। और यहाँ पे ये डेसिकेटेड कोकोनट जो होता है, खोपरा जो होता है नारियल, ये इजीली मिल जाता है। अगर ये भी ऑप्शन है अगर आपने डालना, ठीक है, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह आप बादाम पिस्ता भी डाल सकते हैं। चलें जी अब इसको मैं तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रखती हूँ। आपके घर गेस्ट आए या कोई इवेंट हो आप भी ऐसे बना के पहले से रख सकते हैं। तो 1 से 1.5 घंटे के बाद ठंडा करके फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ इसकी लुक और इस कितना ये मज़े का है देखने में भी और खाने में भी। चलें जी आपको दिखाते हैं। अब ये देखें जी 1.5 घंटे के बाद मैंने निकाल लिया फ्रिज से, और ये देखें जी माशाल्लाह से देखें पूरी तरह से जम गए। ये देखें और ठंडा हो गया है। आप भी ऐसे बना के ठंडा करके खाएंगे, मज़ा आ जाएगा आपको। अब मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ। ये देखें जी प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ आपको। ये देखें जी माशाल्लाह से, ये देखें जी मज़ेदार सा डिज़र्ट हमारा तैयार है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।